नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सूरजभान सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जो अब शायद नहीं हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐलान ही कर दिया है कि वो पशुपति पारस के साथ अब नहीं है, वो चिराग पासवान के साथ भी किसी के साथ नहीं है। उनके इस इंटरव्यू से भूचाल है जो इंटरव्यू उन्होंने सिटी पोस्ट को दिया है। अब पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से इस पर सफाई आई है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से ये सफाई आई है कि लोजपा के सभी नेता, रालोजपा के सभी नेता एक हैं, सभी सांसद एक हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा का बयान सामने आया है और उन्होंने ये दावा किया है कि पार्टी के सांसद सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह से उनकी बात हुई है और उन्होंने एक साथ होने का दावा किया है, वो पार्टी के साथ खड़े हैं। इस पूरे मामले पर जो भी सूरजभान सिंह ने कहा है और उन्होंने अगर कहा कि वो अब पशुपति पारस के साथ नहीं है, उस पर क्या सफाई दी है देवजानी मित्रा ने, सुनिए। खाद्य मंत्री के द्वारा आज बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम हाजीपुर में हुआ, वहीं से हम लोग अभी जस्ट लौट के आए और मैं आपको क्या बताऊं, इतना अच्छा लग रहा है देख के कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट अब एक ऐसा इंस्टीट्यूट वहां पे आज से चालू हो गया जहां पे आप एडुकेशन ले सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में। आपको कुछ भी अगर क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया बिना आप बैंक से लोन लेके आप 10 लाख से मिनिमम से लेके मैक्सिमम आप 50 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, अपने घर में पापड़ अचार से लेके हर वो काम कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा और साथ में उसका शिक्षा भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें अभी हम लोग बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर द्वारा वहां पे किया गया और ये अचानक से ये न्यूज क्या मैं देख रही हूं कि भाई हमारे सूरजभान सिंह जी, आदरणीय सूरजभान सिंह जी, अचानक से सुनने में आ रहा है कि वो हमारे पार्टी में नहीं है, जबकि मैंने खुद अभी चंदन सिंह जी से बात की और मुझे पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छा से हमारे पार्टी का पार्ट है और नवादा से ही चंदन सिंह जी लड़ेंगे। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने जरूर ये कहा है कि चाचा और भतीजे के बीच के लड़ाई में हम नहीं है। कौन चाहता है घर के लड़ाई में पड़ना? किसको अच्छा लगेगा कि भतीजे के पार्टी के लोग हमें पैरासाइट बोले या फिर हम लोग उस बात का जवाब में फिर जवाब दे फिर उस बात का वो जवाब दे? कभी ना कभी तो ये जंग खत्म ही करनी पड़ेगी। इसी के बारे में एक घर के गार्जियन की तरह सूरजभान सिंह जी का ये बयान आया है जो कि हम लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, बहुत ही अच्छे से बहुत ही विनम्र तरीके से हमारे पांचों सांसद हमारे साथ एकजुट होके आरएलजेपी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं और हमारे मिनिस्टर सर का भी यही सोचना है कि टीम यूनिटी को भंग करने की यह साजिश है जो कतई ही सफल किसी भी हालत में सफल नहीं होगा। दूसरी बात भाई, बीजेपी अगर डर गए हैं कि भाई चिराग पासवान ने डिसीजन ले गया, ऐसा भी कोई हवा या फिर न्यूज हमारे पास तो नहीं है। बींग अ ओनली यू नो एनडीए का एक ही अलायंस पार्टी होने के बावजूद भी हमें तो ऐसा कोई खबर कहीं से भी नहीं है। फिर भी मैं आप सबको बोलूंगी कि हम लोग बहुत ही शालीनता से बहुत ही दृढ़ता से एक साथ हम लोग 2024-2025 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और कहीं से भी कोई भी एमपी कहीं दिशा में नहीं जा रहे, सब एक साथ एकजुट होके हैं और नवादा से चंदन सिंह जी ही चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार।